दास आप नू एक संदेश देना आया है जो गुरु साहिबान ने चलाया सी सिख लई। सेवा और सिमरन दो चीजा ने। सेवा करना मन मांझा जाता है तो फिर वो सिमरन लगता है। सारे गुरु साहब ने भी किया, सिखा ने भी गां किया। भाई कन्हैया ने जो सेवा दी पानी पिलाण की, जिथे फटर सिखा पानी पिलाता सी उत्थे मुसलमान भी कहते अल्लाह का वास्ता है तो सानू भी पानी पाए, उन्होंने मूह भी पानी पा दिता सी। कमाल की गल है। सारे फिर सिखा ने जाके गुरु साहब को शिकायत की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखो असी तो उन्होंने फटर करके सुटने तुरकों मुसलमान ते पानी पिला के फिर उन्होंने तैयार कर दो, फिर साडे नाल लड़दे ने। भाई कन्हैया की पेशी लग गई। गुरु साहब ने मुस्कुरा के पूछा भाई कन्हैया तू मुसलमानों ने पानी पिलाया? नहीं महाराज किसी ने नहीं पानी पिलाया। वो दूसरे कहन लगे देखो साडे सामने महाराज मुकर रहे आ, ये की कह रहे ने? कहिंदे महाराज मैं जो जो दिसदा सी वो तुहाडा रूप दिसदा सी। मानस की जात सब एक पहचान हो, हिंदू तुर कोई राह जी इमाम साहब मानस की जात सब एक पहचान हो। महाराज तुहानू देख के तुहाडा स्वरूप देख के पानी पिलाता सी, भावे सिख सी भावे मैनु नहीं समझे मुसलमान। गुरु गोबिंद सिंह इन्ने प्रसन्न होए उहदी सेवा तो, कहिंदे तू पानी की जगह हुण नाल मलम भी ले ला, मलम भी लाया कर, मलम भी सारिआं नूं लाया कर, भावे सिख पठर होण भावे मुसलमान पठर होण। गुरमुखो यह परंपरा शुरू तो चली आई है सेवा और सिमरन की। गुरु अंगद देव जी लैके दस गुरु करते आए ने और होर भी महापुरश करते आए ने अज सेवा सिमरन। तो कहना पा पाया कि एक बारी अपना कश्मीर च बड़ा भूचाल आया से 10-12 साल पहले, उत्थे कोई नहीं जाता, उनके घर ढह गए। मुसलमान भी सन, कोई सिख भी सन, हिंदू भी सन। सानू पता लगा, असी लैके गए सारा टीम उतो बड़ू साहब तो। गुरमुखो मुसलमानों के घर भी बनाए, सिखा के भी घर बनाए, हिंदुओं के भी घर बनाए, सारे इको जिहा असी उन्हां दा सेवा की। साडे तो थोड़ी देर बाद उत्थे आगा खान के आदमी आ गए। आगा खान दे आगे आके तो मुसलमानों के घर घुस गए, उन्होंने सेवा कर लग पे। मुसलमाना ने उन्होंने कहा कि तुसे साडे मजहब नूं दगा दाग लग रहे हो। वो देखो सिख आए ने पहले साडे घर बनाते हैं, मुसलमान फिर सिखां दे बनाते हैं, तुसीं की कर रहे कर रहे हो? गुरमुखो यह सिख की निशानी आ। आया कैराले सारा हड़ आया, बड़ी तबाही हो जी। असी पहले जाके उन्होंने आदमी अपने भेजे, असी क्या भी राशन पानी का, वह कहते राशन पानी सानू गवर्नमेंट ने बहुत दिता, इसलिए सानू जरूरत है घर बनाने की। जे घर बना सकन सानू जरूरत है पलंबर की, इलैक्ट्रीशियन की, कारपेंटर की, और चुनाई करने वाले मिस्त्रियों की, यहोजी की जरूरत है। गुरमुखो असी सारे ने जाके फिर सारे उतो साड़ी टीम आई, सलाह की। असी सारे अपने दो यूनिवर्सिटियां दे 129 स्कूलों दे होर भी जो डिस्पेंसरियां सी सारे काम बंद करके ऐसे लग पालती जाली आदमी उत्थे भेजे ने, जेड़े के जाके प्लंबिंग का काम भी करनगे, इलैक्ट्रीशियन का भी काम करनगे, चराई का भी काम करनगे, तां जो उन्हां दे घर जड़े वस सकन। उहदे विच पैसा भी बहुत लगना, आपां पैसा भी कर रहे हां। तो मैं सिर्फ आप नूं संदेशा देन आया सी इस करके कि गुरमुखो सिख का काम है आ कि जिथे जिथे कोई एहो जी होए उत्थे उस सेवा च पहले छाल मारदा। गुरु साहब की बख्शिश लैण वास्ते पहला काम सेवा करदा। सेवा सच्चे मन ना करेगा तो फिर गुरमुखो सिमरन नाल दा मन जुड़ जाता। तो सिमरन नाल मन जुड़ता जुड़ता जे पहले निम्रता आए सेवा, सेवा जड़ी है निम्रता लियांदी है। अच्छा तुसी बस सारे जाके तो जाके उत्थे सेवा नहीं कर सकते, पर सेवा भी तीन प्रकार की होंदी है। पहली सब तो सेवा मायक दी है,
दूसरा शरीर दिया, तीसरी सेवा मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवे के कार्ज नाल। तो गुरमुख हो साडा तो जा सके, असि सिर्फ कहने भी तुसी सारी जने अगर एहो ही करो कि उत्थे अपना दर्द संबंधी भेज दो, पे कम से कम अज उन्होंने जरूरत पै रही है बेचारे, और उत्थे एक नाम रोशन हो जाएगा पे सिखा ने साड़ी एनी मदद की है। असं बाकी तो बना रहे हैं, पर जिन्नी तुसी माया इकट्ठी करोगे उन्होंने घर दूसरे करोगे, उन्ना ही तुसी महाराज जी गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी गुरु गोबिंद सिंह जी बख्श लोगे, सिखी का झंडा उत्ते करोगे। हाँ देखो जी इत्थे ने सिखा ने आके बहुत वड्डा काम किया, बहुत वड्डा परोपकार का काम किया। गुरमुखो एक निशानी है, उदे नाल फिर तुहाडा महाराज जी वाहिगुरु की बख्शी होगी, तुहाडा मन भी जिसा हुण सिमरन किया सिमरन से बहुत लगेगा, शब्द कीर्तन च लगेगा, अपना जन्म सफल होगा। महाराज कहते काल खाए के जत्थों दे नानक राह पछाने से। अगर दसां दी कित करके दसवां दे कढ दे सेवा वास्ते तो गुरमुखो राह केड़ा मिलता है जो गुरु नानक दे रस्ते में जाता जिथे अकालपुर दा बैठा है। नानक राह पछाने से ओ फिर सिमरन उदे नाल चल के अकालपुर च जाके लीन हुंदा। ये सारे गुरु साहिबान भी किया, गां सिख भी करते आए ने, और गां सिखां दीआं होर भी संस्था सारियां करदी आईआं ने। तो असी भी सानू एहो ही संदेश देना सी, गुरमुखो साडी संस्था ने पहले तो जाके उन्होंने यो ही दसा भी असं तुम तो राशन पानी दे आ देना। वह कहते जी राशन पानी की सानू लोड़ नहीं, क्योंकि गौरमेंट इंडिया ने बहुत देता राशन पानी, इसलिए सानू बहुत लोड़ है घर बनाने की। घर किस तरह बनाया जाए, हड़ नाल घर रुड़ गए ने, वो घर ठीक करिए जो बेचारे अंदर बस सकन, नहीं तो सड़कों के पे हुए ने। असी सारे काम अकाडमी ने बंद करके गुरमुख उत्थे सारे मिस्त्री ते दूसरे कारपेंटर ते होर सारा करके भेज दिता। हुण गुरमुख उत्थे मटीरियल चाहिदा, उहदे वास्ते पैसे असी भेजे ने, मगर असी सारे तुहानू बेनती ये करांगे कि तुसी सेवा तो उठा के सारे कर नहीं सकते, एनी सेवा मायक दी सेवा तुसी कर सकते हो, जिन्नी माया इकट्ठी करोगे उन्नी उत्थे सेवा ज्यादा होगी। और सिक्खी का बूटा एन सारी दुनिया च फैलेगा कि सिखा ने बहुत काम किया। तो गुरुको मैं आप बेनती करना आ, ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि तुसी जे गुरु के सिख लाते हो सेवा तुहाडा है पे ऐसा सेवा करके अपना मन गुरु की बख्शिश लैनी आ, फिर गुरमुखो अपना जिन्ना भी दसवंत तो ज्यादा जिन्ना जिन्ना पा सकते हो इस वेले च पा के उत्थे काम करांगे। उहदे नाल की होएगा, साड़ी सारी दुनिया च मैसेज जाएगा एक कि सिख जड़ी है कौम जड़ी है बहुत चंगी है, बड़ा सेवा कर दी है, ये गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बरसाए हुए ने, और सिर्फ सिखां दे नहीं अपने काम करते, गुरुद्वारे नहीं सिर्फ बनाते, ये दूसरे कौमों के भी घर बनाते हैं, उन्होंने भी सारे मस्जिदा बनाते हैं, दूसरे भी उन्होंने भी मंदिर बनाते हैं, दूसरे भी करते रहे। गुरमुखो ये होएगा तुहानू बख्शिश जो भाई कन्हैया ने लई है। इस करके दास भी हुण बहुत बूढ़ा हो चुके हैं, 96 साल की 97 साल की उम्र हो चुकी है, तो मैं भी हुण इहो इरादा कीता सारिआं नूं, सारे सेवादारां दा थो काम असीं सारिआं अकैडमी बंद काम करके मैं पहले उत्थे करो सारे आदमी असीं भेजते, आदमी बहुत सारे भेज चुके असीं, 30-40 आदमी भेज चुके जेहड़े कारपेंटर ते मैसन ते दूसरे बिजली बुजली सारा। हुण उसे मटीरियल चाहिए, मटीरियल वास्ते अगर तुसी सारे अपना एक महीने का दसवंध ही कढ़ी जाओ कढ के उत्थे दिओ, गुरमुखो तुसी बख्शिश लाओगे, गुरु नानक जी गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु बख्शिश लाओगे, और नाम रोशन होएगा कि एक तुहाडा ही नहीं होएगा, एक सिख कौम का दुनिया च नाम रोशन होएगा कि देखो सिखा ने जाके दूसरी स्टेट दे विच जिथे कोई सिख नहीं अफेक्ट होया, हर उत्थे क्रिश्चन और हिंदू अफेक्ट होए ने, मुसलमान इफेक्ट हो रहे, उन्होंने मकान बना रहे, उन्होंने कारोबार बना रहे, उन्होंने ये तुसी बख्शिश लाओगे। फिर ये नाल मैं यो थोड़ा बेनती अच करना आ, ज्यादा मैं ज्यादा लैक्चर नहीं देना आया, सिर्फ यो करना आया जिथे तुसी होर खर्च कर दो उत्थे ये भी सोचो कि असी उन्होंने गरीबों का चल जिन्होंने इस वे मुसीबत आई आ, दूसरे उन्होंने किस तरह से मकान बना के उन्होंने सेवा करके उन्होंने ठीक करके आप ठीक कर सकते हैं। उदे नाल फिर
महाराज की बख्शिश होगी कि तुहाडू भी बख्शिश महाराज की मिलेगी सिख कौम का भी नाम उच्छा होगा। कि देखो सिख कौम एहोजी आ जिहड़ी सिर्फ अपने नूं नहीं याद करती, दूसरा नूं दूसरे मजहब दे लोकां नूं सारा करती है। तो गुरमुखो इहो मेरी बेनती आ, मैन पावर तो असीं अपनी सारी अपना संस्था की भेज चुके आ, उत्थे 30-40 आदमी जिहड़े सारे इलैक्ट्रीशियन पलंबर मैसन दूसरे तीसरे हुण उहदे मटीरियल है, मटीरियल वास्ते भी असीं भेजा। असीं कहिंदे मटीरियल वास्ते तुसीं अगर अपना एक दो महीने का दसवंध कट के भेजोगे उत्थे तो गुरमुख होगे वाहिगुरु की बख्शिश लोगे, तुसीं अपना सिर उच्चा करोगे गुरु गोबिंद सिंह जी अगे जिसने भाई कड़ैया ने किया सेवा करके, तो इस करके तुसीं बख्शिश लोगे। मैं यह बेनती करना आ कि अपना सिखी का नाम रोशन करने वास्ते तुसीं जिन्नी माया जिन्ना ज्यादा ज्यादा कट सकते हो केरला के फ्लड वास्ते गुरमुखो वो साडा बख्शिश होगी। गुरु गोबिंद सिंह जी बख्शिश लावांगे, गुरु नानक की बख्शिश लावांगे। देव सज्जन सीसड़िया जो होवे साहिब सो मेल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जीओ, असी अपने घर मकान रेनोवेशन करने लखा करोड़ों रुपए खर्च कर दी है, पर यह भी पता है कि मान छड़ के जाने फिर भी खर्च करते हैं, लेकिन यह जो माया तुसी खर्च करनी है ना जी केरल विच, यह गुरु नानक के खाते लिखी जानी है, ये अगे जानी है साड़ी माया। सो दिल खोल के अपना जो है अपना जो माया है वो जरूर सफली करो। मैं फिर बेनती करांगा कि ये जो मौके जिंदगी बहुत घट मिलते हैं जो सेवा का इस तरह का कोई कुब होवे ते अपनी माया जो है आप जरूर सफल करो। जड़ा वीर जी बैठे हुए हैं उन्होंने आप अपनी माया दे के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सकते हो। तो हम डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी जो रोजाना तरह भाई साहब भाई गुरदास जी कथा कर रहे हैं वो आप जरूर कथा सुनाएंगे जो डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी। इस तो पहले प्रधान साहब एक मिनट वास्ते आप जी विचार साझे करेंगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज साढ़े धनबाद ने कि साढ़े विच बाबा इकबाल सिंह जी है ने, और इन्होंने तुहानू बेनती सारयां नू कीती हैगी है और माया दित्ती भी हैगी है। तो मैं बाबा जी नू यकीन रहना जो होर भी हो सकेगा करांगे, असी सारे इकट्ठे करांगे मिलजुल के, और मैं मिनीमम गरंटी बाबा जी कहना सारयां कोलों इकट्ठा करा के ना बाबा जी असी सारे इकट्ठा 2.5 लाख रुपया असी तुहानू ना तुहाडे करांगे असी जस्सा होगा। यह सानू 2-3 दिन का टाइम चाहिए होगा, 2-3 दिन का टाइम चाहिए होगा, असी इत्थे इकट्ठा करके जिस तरह भी होगा सारे वीर मिल मिला के असी काम करांगे और गुरु महाराज की खुशियां सारे प्राप्त करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी, पाछं क्रोत अग्रणी वह निरासं आस पूर्ण है, निरतनंग भयंग धनवंत है, रोग्यंग रोग खंड न है, भगतं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन पार ब्रह्म पुरख दाता रह नानक गुर सेवा कि ना लभ्यते, पार ब्रह्म पुरख दाता रह नानक
गुर सेवा के ना लभ्यते बदबख्त हम चू बखील गाफल बे नजर बेबाक नानक बुगोयत जान तुरा तेरे चाकरा पाखाक धन वाहिगुरु साहिब जी गुरदर्शन प्रसन्न सफल छे दर्शन एक दर्शन जाना दिब